वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। तो आइए चलते हैं। वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस, आप देख रहे हैं दिव्रुष व्लॉग्स एंड आज हम इस वीडियो में आपको एक विला दिखाने वाले हैं। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है और ये ग्रेटर नोएडा सेक्टर जीटा में है, जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं, विच इज़ 7 किलोमीटर्स फ्रॉम परी चौक। तो आइए देखते हैं और चलते हैं कि क्या क्या है इस प्रोजेक्ट में। गाइज अब इसमें इस प्रोजेक्ट में टोटल 5 गेट्स हैं, एंट्री गेट्स आप कह सकते हैं, एंट्री और एग्जिट गेट्स। तो ये आपका जो सामने दिख रहा है ये सेकंड गेट है, एक से अभी हम जिससे हमने एंटर किया है। तो जैसे ही हमने आगे से लेफ्ट लिया तो सेकंड गेट हमारे सामने है। तो गाइज हम विला के एंट्रेंस पे खड़े हुए हैं और आप देख सकते हैं दोनों साइड ओपन रोड है, आप देख सकते हैं इधर भी रोड है। मैंने आपको जो विला दिखाया था उसका एरिया था 3008 स्क्वायर फीट और आज हम बात करेंगे जो ये विला है इसका टोटल एरिया है 2452 स्क्वायर फीट। तो हम चेक करेंगे क्या क्या इसमें फैसिलिटीज है। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो आइए चलते हैं देखते हैं। तो एंट्रेंस में सब कुछ वैसे ही है, अगर आप देख सकते हैं कैमरा यहाँ पर अवेलेबल है और ये लेटर बॉक्स है, दूसरी वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर कैमरा है, अंदर से आप देख सकते हैं कौन आप गेट पर आया है। एंट्रेंस बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूंगा। एंटर करते हैं वॉशरूम है यहाँ पर और अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप देखेंगे स्पेस बिल्कुल वैसे का वैसे ही है और देखिए इस वीडियो में आपको ये अलग बनाने का मोटिव मेरा ये है कि ये एरिया मैं आपको अलग से दिखा सकूँ, क्योंकि उसमें और इसमें कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक देखें और इस फ्लैट की सारी जो डायमेंशंस हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो वो भी आप देखें। तो अगर हम ये जो आपका एरिया है ये आपका डाइनिंग एरिया है, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, 20x11 का है। करें किचन की, किचन में एंटर होते ही ये देखिए यहाँ पर कैबिनेट बने हुए हैं, यहाँ पर आप सारी हैं जो नेसेसरी है और ये ओवन है यहाँ पर। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक चिमनी यहाँ पर पहले से ही अवेलेबल है, और क्योंकि एग्जॉस्ट के लिए चिमनी होना बहुत ज़रूरी है। कैबिनेट्स आप देख सकते हैं काफी वाइडली स्पेस कैबिनेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। स्पेशियस है काफी है। और देखिए इसके साथ में आपको एक यहाँ पर भी कैबिनेट्स दिए गए हैं, दोनों साइड कैबिनेट्स हैं, आपकी जो नेसेसरी चीजें हैं वो आप यहाँ रख सकते हैं, जो आपके डेली काम में आने वाली चीजें हैं। गाइस यहाँ पर ये डिशेस स्टैंड है, आप देख सकते हैं ये आपकी 2 वॉश बेसिन यहाँ पर दी गई है, ये आपकी जो वेंटिलेशन के लिए विंडो है, देख सकते हैं काफी अच्छा वेंटिलेशन है यहाँ पर। तो आइए अब आगे चलते हैं।
सो किचन के जस्ट बराबर में ही आप देखेंगे तो ये आपका रूम आ जाता है, 13x11 का ये रूम है और इसके साथ अटैच वॉशरूम है। आप वॉल्स पे पेंटिंग लगी हुई है, आपके डिजाइनर लैंप्स हैं यहाँ पर, लाइटिंग बहुत अच्छी है, वॉशरूम मॉडर्न लुक पे बनाया गया है सारा, जैसा कि आपने पहले भी देखा था। तो हम चल रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे और देखेंगे वहाँ पर क्या स्पेस है रूम्स का, क्योंकि इस विला का थोड़ा एरिया कम है उससे, तो उसमें देखेंगे क्या डिफरेंसेस हैं। तो आइए चलते हैं। स्टेनलेस स्टील के ग्रिल यहाँ पर दिए गए हैं थ्रू आउट द फ्लोर ये रहेंगे आपके। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखेंगे, देखिए अब हम ये रूम में एंटर कर रहे हैं। जैसे ही आपने स्टेयर्स आप ऊपर आए तो उसके लेफ्ट में आपका एक रूम है, एक आपका राइट में रूम है। तो आप देखेंगे कि स्पेस काफ़ी वाइड है, इसका डिज़ाइनर लुक है और यहाँ पर भी सेम ही तरीके से चीज़ें प्लेस की गई हैं। अब आप देखेंगे पेंटिंग्स हर जगह, हर रूम में इन्होंने पेंटिंग्स यहाँ पर लगाई हैं और इसके साथ ये काफ़ी अच्छी बड़ी बालकनी यहाँ पर अटैच है, आप देख सकते हैं। तो बालकनी का स्पेस भी काफी स्पेशियस है। तो आइए, तो अगर मैं इस टोटल रूम के एरिया की बात करूं तो ये 14x11 का रूम है, काफी अच्छा स्पेस है, हाइट देख सकते हैं आप रूम में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक रूम लेफ्ट में एक रूम राइट में है, तो अब हम दूसरे रूम की तरफ चल रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरे रूम का एरिया, काफ़ी बड़ा एरिया है, मतलब आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। इसके साथ भी बालकनी अटैच है, दोनों साइड 5x5 की बालकनी यहाँ पर दी हुई है, तो ये भी ठीक ठाक बालकनी है अगर आप देखेंगे स्पेस वाइज। तो हम अब आगे चलेंगे। सनलाइट कॉन्सेप्ट से भी काफ़ी अच्छा कुछ देखा गया है, हर रूम में आपको सनलाइट मिलेगी और नेचुरल फ्रेश एयर मिलेगी, तो आप इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। रहे हैं सेकेंड फ्लोर की ओर और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या है। जो स्टेयर्स का स्पेस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी वाइड है, तो गाइज ऊपर पहुंचते ही आप देखेंगे कि हमारे राइट में रूम है। जैसा कि रूम में आपको नीचे दिखाया था स्पेस वाइज बिल्कुल सेम है, बालकनी में थोड़ा डिफरेंस है, बालकनी थोड़ी वाइड है यहाँ की, आप ऊपर से व्यू देख सकते हैं। ये आपकी रोड है, देखिए दोनों साइड रोड से आपका ये रास्ता यहाँ पर दिया गया है, एक इधर से आप जा सकते हैं, एक इधर से जा सकते हैं, टोटल यहाँ पर अराउंड 5 एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं। तो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते देखते हैं कि इसमें भी एक वॉशरूम अटैच है। एग्जॉस्ट वगैरह सब पहले से यहाँ पर फिटेड है, हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट है, हर वॉशरूम में सारी फैसिलिटीज, मतलब कुछ भी आपको फिट करने की जरूरत नहीं है, पहले से सब कुछ फिट है। तो अगर अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर टेरेस भी है, पहले हम यहाँ पर एक सर्वेंट क्वार्टर है उसके बाद टेरेस है। यह आपका टेरेस का स्पेस है, आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो है आपका, आप टेरेस है आपका ये। पर अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका एक सर्वेंट क्वार्टर है विद वॉशरूम, ये आपको दिया गया है। आप देख सकते हैं तो आइए आगे चलते हैं।
तो गाइज अगर हम इस विला की प्राइस की बात करें तो इसकी कॉस्ट है 1,05,00,000 रुपए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप जो भी थोड़ा प्रीमियम कॉन्सेप्ट में घर देख रहे हैं तो उनके लिए ये बेस्ट प्रोजेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीनरी बेस्ड मुझे चीज़ें पसंद आई हैं काफ़ी अच्छी हैं। तो आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको विला कैसा लगा। और अगर आप विजिट अरेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आप अपना नंबर और नेम छोड़ दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको कॉन्टैक्ट करूंगा, या फिर यहाँ के कोई सेल्स के बंदे आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।